हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। तो आज है दुर्गा पूजा का 9th डे, जो कि है नवमी। तो प्लान ये है कि सबसे पहले हम जाएंगे मम्मी के साइड का विलेज, जो कि है बारवा, वहाँ पे पूजा है और कुछ इवेंट्स है, वो हम देखेंगे। अगर टाइम होता है तो बिरजा टेम्पल जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, और उसके बाद हम वापस चले जाएंगे भुवनेश्वर शाम को। तो दिन बहुत ही एक्साइटिंग रहने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बारवान। तो यहाँ पे एक्चुअली एक इवेंट होगा आज, मेरे कज़िन भैया का शादी है, तो शादी से पहले ये इवेंट पहले होता है और इसके बाद ही कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन, मैरिज कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है। तो चलो देखते हैं इवेंट, और उससे पहले मैं फिर से आपको यहाँ के दुर्गा मूर्ति का दर्शन करवाता हूँ। आज नवमी है, माँ दुर्गा को बहुत अच्छे से सजाया है। यहाँ पे भी एक छोटा सा मंदिर है। यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का फोटो फ्रेम है। तो अभी अंदर चलते हैं, रिचुअल स्टार्ट होने ही वाला है। तो यहाँ पे सारी तैयारी चल रहा है, सस्मिता कार्ड रेडी कर रही है और यहाँ पे दीदी खड़ी हैं, इनसे बात करते हैं। तो ये है पारुल दीदी, सोम्या भैया के बड़ी दीदी। हाँ, तो दीदी सोम्या भैया की भी दीदी, सोनू भैया की भी दीदी, सबकी दीदी। हाँ, तो दीदी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, मैंने फर्स्ट टाइम देखा ये रिचुअल, मैंने एक्चुअली कभी देखा नहीं था, इतने मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है, काफी अच्छा लगा। हमारे साथ बहू है एक साथ, इन्होंने आप देखेंगे ब्लॉग में, और बस यही हम लोग आशा करते हैं कि सोमू को आप लोग, समूह और तनुश्री को ब्लेस करें, उसका उनका मैरिड लाइफ अच्छा रहे। साथ साथ हमारे भाई सोनू का भी, सुदीप सेन का, सब्सक्राइब करें और ब्लॉग ऐसे सपोर्ट करते रहिए जी। बाबा तू रिकॉर्ड कर चीज आया इखने, आया इखने ना हमारे साइड आया तू दिल्ली के वीडियो कॉल पर से बोला हमें। ये मेरी छोटी चाची सुजय की मम्मी, जो शंख बजा रही है। ये हमारे उसके लिए, भाभी मैं ना फिर बाहर जाके बात। तो ये है मैरिज कार्ड, मेरे कजिन का नाम है सोम्या और होने वाली भाभी का नाम है तनुश्री। कार्ड को खोल के दिखाता हूँ आपको, ये है कार्ड, बंगाली में लिखा गया है, बंगाली शादी है हमारा। अब सारे कार्ड्स में हल्दी लगाया जाएगा, उसके बाद ही हम इसको बांट सकते हैं। हर कार्ड के कॉर्नर में हल्दी लगाया जाएगा, उसके बाद ही इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो रिचुअल्स ख़त्म हो चुका है और अभी हम चारों निकल रहे हैं कार्ड देने के लिए। हमारे यहाँ पे एक रिलेटिव है, एक नहीं दो तीन है, तो उनके घर जाके देख के आएंगे। अभी हम पांच लोग एक वॉक पे आए हैं और वेदर बहुत ही अच्छा है, देखिए मेरे पीछे बादल दिख रहा है। और ये सौभाग्य अभी एक हॉरर स्टोरी बोल रहा था, पीछे जो पेड़ है वो
वेदर तो बहुत ही अच्छा था, लेकिन सडनली बारिश होने लग गया, इसलिए अभी वापस जाना पड़ रहा है। लेकिन गांव का एक्सपीरियंस एक्चुअली बहुत ही अच्छा है। देखिए, सिटी के एक्सपीरियंस से बहुत ही अलग है, बहुत ही पीसफुल है, ये सबको तो पता ही होगा, लेकिन इसको एक्सपीरियंस करने का मतलब मज़ा बहुत ही अलग है, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी नवमी का पूजा स्टार्ट होगा, तो उसी के लिए तैयारी चल रहा है। अभी लंच टाइम हो गया है और हम खाने बैठे हैं। दीदी, कैसा है खाना, टेस्ट किया है? अभी टेस्ट नहीं किया है। आज हमारे नवमी का मेन्यू में है वेज पुलाव, ये काजू डाल के हमारा स्पेशलिटी है इधर का, और है पापड़ भाजा, और ये है टमाटर चटनी। अगर आप इसमें गौर से देखेंगे, इसमें हम लोग यहाँ ट्रेडिशनली बेर मिलता है, सो इससे डाल के बनाया जाता है, और ये गुड़ से बनता है, सो डायबिटिक पेशेंट्स भी खा सकते हैं। अरहर का दाल है, सिर्फ जीरा और हींग का छोंक है, और थोड़ा धनिया पत्ता ऊपर से डाला हुआ है, और ये हमारे इधर का होता है, हम इसको आप कह सकते बोड़ा की सब्जी, ये बेसन है, इसको आप दही के साथ घोल के इस सब्जी को बनाया जाता है। सो हम लोग अब स्टार्ट, और ये 5 रकम का भाजा है, इसमें कच्चा केला है, रॉ बनाना, और इसमें आलू भी है, इसमें परमल है, और बैंगन जो है वो कहीं खो गया है, और एक मिर्ची भी है, सब कर रहे हैं। ठीक है, चलो लंच एंजॉय करो। ओके। तो लंच ख़त्म करके हम अभी आए हैं थोड़ा बाहर फिर से यहाँ पे, और वेदर इतना अच्छा है कि मतलब घर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। देखिए, बहुत खूबसूरत वेदर है, टेम्परेचर बहुत ही मतलब एडिक्वेट है, मतलब कूल फीलिंग आ रहा है, मतलब जाने का मन ही नहीं कर रहा है यहाँ से। और बाकी सारे कजन्स भी आए हैं, सस्मिता भी आई है पीछे, वहाँ पर बातें कर रहे हैं, वहाँ पे खड़े हैं ये लोग, देखते हैं कैसा व्यू है वहाँ से। इधर से चढ़ के जाता हूँ, छोटा सा तालाब जैसा है यहाँ पे। यहाँ का व्यू देखिए ज़रा, बारिश होने वाला है आज, ऑलरेडी हो चुका है 2-3 बार सुबह से। अभी शाम को हम वापस लौटेंगे भुवनेश्वर, शायद होने वाला है, मतलब जर्नी के वक्त होने वाला है। तो अभी हम रुके हैं एक बनारसी पान के दुकान पे, यहाँ पे ट्राई करेंगे बनारसी पान। मुझे याद नहीं मैंने लास्ट टाइम कब खाया था, यहाँ पे अच्छा बनाता है ये आदमी, मैंने सुना है, तो चलो ट्राई करते हैं। भैया ने हमारे लिए बना लिया है बनारसी पान, ट्राई करते हैं। तो ये देखिए हमारे 3 बनारसी पान, इसको टेस्ट करते हैं।
टेस्ट अच्छा है, थोड़ा सा ज़्यादा मीठा लग रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है इसका टेस्ट, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। तभी नवमी पूजा खत्म करके, सारे इवेंट्स खत्म करके हम वापस जा रहे हैं भुवनेश्वर। अभी हम भुवनेश्वर पहुंच चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं डुमडुमा का दुर्गा मंडप, वहां का डेकोरेशन और मूर्ति देखने के लिए। मंडप के बाहर एक खिलौना शेर लगा रखा था, अभी चलते हैं मूर्ति देखने के लिए। बहुत खूबसूरत डेकोरेशन कर रखा है, बहुत खूबसूरत, बाहर से बहुत ही सही लग रहा है, अंदर का मूर्ति भी बहुत खूबसूरत लग रहा है बाहर से ही, अंदर चल के देखते हैं। वाह, बहुत ही खूबसूरत है, इतनी खूबसूरती से सजाया है, देखिए आप, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको पास से। मंडप के पीछे एक फील्ड है और उस फील्ड में यहाँ पे मेलोडी चल रहा है। तो दुर्गा मंडप से निकलकर अभी हम वापस जा रहे हैं अपना घर, और हमारा नवमी जर्नी खत्म होता है यहीं पे। और फाइनली अभी हम घर आके वापस पहुँच चुके हैं, बहुत ही लंबा दिन था, बहुत कुछ हुआ आज और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। मिलता हूँ अगली बार एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर एंड जय हिंद। Thank you.